अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज बन रही है बहुत ही मज़े की रसमलाई। उसके लिए मैंने ये रसमलाई का एक पैक ले लिया है जो कि स्टैंडर्ड फ्लेवर में है। इसके अलावा और भी फ्लेवर्स होते हैं बट मैंने स्टैंडर्ड ही हमेशा मैं यूज़ करती हूँ। तो अभी सबसे पहले हम पैन में दूध ऐड करेंगे। दूध मैंने लिया है 1 लीटर, 1 लीटर से थोड़ा सा ज़्यादा, क्योंकि थोड़ा सा ज़्यादा अगर आप यूज़ करेंगे तो जो बॉयल होने के बाद उसकी क्वांटिटी जो होती है वो ज़्यादा कम नहीं होगी, क्योंकि दूध रसमलाई में ज़्यादा ही हो तो अच्छा लगता है। तो इसलिए मैंने थोड़ा सा ज़्यादा दूध इसमें यूज़ किया है। अभी मैं ये तैयार करने लगी हूँ रसमलाई की, वो जो बनाती हैं छोटी छोटी बॉल्स, उसके लिए मैंने ये एग जो है उसको एक छोटे से बर्तन में, ग्लास में ऐड या किसी भी बर्तन में इसको मिक्स कर सकते हैं। ये अच्छा से मैंने मिक्स कर लिया। तो ये देखें, ये अच्छी तरह मिक्स हो चुका है। अब करते हैं, ये मैंने खोला है रसमलाई का पैक और इसमें अब कुछ चीज़ें ऐड होंगी। तो इसको मैंने अच्छी तरह एक अंदर से थोड़ी सी ऐसे जगह बना लूँगी मिक्स करने के लिए अच्छी तरह। तो इसमें सबसे पहले ऐड करेंगे 1 टेबल स्पून ऑयल, क्योंकि 1 टेबल स्पून इसलिए क्योंकि 1 टेबल स्पून बहुत ज़्यादा इसमें इतना बहुत है। वैसे तो कुछ लोग ज़्यादा यूज़ करते हैं, लेकिन अगर ज़्यादा इसमें ऐड करेंगे तो वो जो बॉल्स बनती हैं वो टूट सकती हैं जब उसको आप दूध में ऐड करेंगे। तो जैसे ही एक बॉयल आएगा तो वो बॉल्स टूट जाएंगी, इसलिए ऑयल बिल्कुल कम यूज़। ओके जी, अभी ये जो मैंने एग मिक्स किया था उसको ऐड कर रही हूँ मैं। अब बिल्कुल एकदम इकट्ठा यूज़ नहीं होगा एग, थोड़ा थोड़ा करके यूज़ करें जिससे ये जो मिक्सचर है वो बिल्कुल ज़्यादा पतला नहीं हो जाए, ढीला ना हो जाए, क्योंकि फिर उसकी बॉल्स ठीक नहीं बनती। तो ये देखें, अभी मैंने इसको बिल्कुल थोड़ा एग डाला था, ज़्यादा नहीं, तो बॉल्स कितनी अच्छी बन गई हैं। तो अभी इनको हम ऐड करेंगे मिल्क के अंदर, बिल्कुल जब मिल्क बिल्कुल बॉयल हो रहा हो। सबसे पहले उसमें चीनी ऐड कर ली थी मैंने, चीनी वही आप अपने टेस्ट के मुताबिक डाल सकते हैं। मैंने इसमें 200 ग्राम्स डाली थी, उतनी बहुत थी इसमें। तो अभी देखें, एक दो बॉयल आ जाएं दूध में, फिर उसमें बॉल्स ऐड करेंगे। और बॉल्स को आप ज़्यादा देर पहले नहीं बना लें, क्योंकि अगर ज़्यादा देर पहले बन गई तो वो ख़राब हो सकती हैं। तो मैंने बनाते सार ही उनको साथ ही अंदर ऐड कर दूँगी, क्योंकि अगर ज़्यादा देर बनी रहें तो वो ज़्यादा हार्ड भी हो सकती हैं और फिर वो मिल्क में ज़्यादा अच्छी तरह सही तरह जाके मिक्स नहीं होती और टूट भी सकती हैं। इसलिए डालते ही उनको आप दूध में ऐड कर लें। ओके जी, बॉल्स ऐड हो चुकी हैं, ये देखें आप। अब बॉल्स को इतनी देर तक पकाना है आपने, इनको मिल्क में इतनी देर बॉयल करना है कि ये अपनी जितनी शेप ये बनी थी उससे थर्ड टाइम ज़्यादा बड़ी हो जाएँ, तो फिर वो समझे कि बिल्कुल सही बन गई हैं। देखें, मैं बार बार चेक करके आपको दिखा भी रही हूँ साथ साथ के। देखें, साथ साथ दूध भी कम होता जा रहा है जैसे जैसे बॉयल हो रहा है, तो और बॉल्स भी बिल्कुल ठीक हैं, क्योंकि सिर्फ ये मैंने ऑयल बिल्कुल सही डाला था इसलिए। तो लें जी, आज की रसमलाई रेडी है। होप सो आपको पसंद आई होगी, ज़रूर ट्राई कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ओके, अल्लाह।